हाय एवरीवन, एमीन्स पढ़ रहे थे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और लास्ट लेक्चर में एक बेहद इंपॉर्टेंट हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन के बारे में स्टडी किए हम लोग। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में और कई बचे हुए हैं, तो उन्हीं सारे मेथड्स को एक एक करके हम लोग डील करेंगे। तो अगला रिएक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। पिछला रिएक्शन से थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन से, लेकिन इम्पॉर्टेंट है गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। नाम है गैब्रियल थैलीमाइड, क्या होता है सो समझोगे। ये भी काफ़ी बड़ा रिएक्शन है। तो एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा इस तरह से इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड। क्या बोलते हैं? थैलिक एसिड। इसका रिएक्शन जब आप करवाओगे अमोनिया से, NH3 हीट करोगे, इतना हो जाएगा बाहर, और क्या बनेगा? ऐसा C डबल बॉन्ड O। अब चूंकि दोनों का OH निकला है, तो ये दोनों जाकर के कॉमनली इससे अटैच होंगे, ऐसा NH। साथ में यहाँ से क्या बाहर हो गया? 2H2O। एंड दिस इज कॉल्ड थैलीमाइड, थैलिक एसिड का अमाइड। थैलिक एसिड का अमाइड बन रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थैलीमाइड। तो थैलीमाइड रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, और गैब्रियल तो नाम है। एमीन कैसे बनेगा रिएक्शन के दरमियान, इसको देखो, समझते हैं उसी बात को हम लोग। तो अब फिर से वही एसिडिक हाइड्रोजन पे सारा चीज़ जाएगा। क्या एसिडिक हाइड्रोजन पे सारा चीज़ जाएगा? कि यहाँ जो देख रहे हो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो पिछला लेक्चर में ही इस बात पे हम लोग काफ़ी चर्चा किए थे कि नाइट्रोजन एक तो वैसे भी हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करेगा। फर्दर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है दो दो कार्बोनिल ग्रुप से, और बताए थे पिछला लेक्चर में भी कि कार्बोनिल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अरे वहाँ जो अमाइड था उसमें तो चलो एक कार्बोनिल ग्रुप था ना, एक ही ग्रुप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने वाला था। यहाँ नाइट्रोजन का समस्या और भी बढ़ेगा, नाइट्रोजन के बगल में यहाँ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड बोथ आर कार्बोनिल ग्रुप, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ऐसा ऑक्सो ग्रुप इसको बोल सकते हैं। उस हिसाब से जब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन को ये दोनों ग्रुप स्ट्रांगली विड्रॉ करेंगे अपनी ओर, तो नाइट्रोजन तो सारा कसर हाइड्रोजन पे निकालेगा। है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो शुरू में धीरे धीरे खींच रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, अब बड़ा तेज़ी से खींचेगा क्योंकि नाइट्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है। तो इस हिसाब से यह हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा, इस बार हाईली एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक हो जाएगा। पिछला बार तो केवल एसिडिक लिखे थे हॉफमैन वाले में, इसमें हाईली एसिडिक हो जाएगा। अमाइड वहाँ भी था, अमाइड यहाँ भी है, लेकिन यहाँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड है। मतलब इस बार जो है नाइट्रोजन के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं, तो इस बार भाई तो यहाँ बड़ा दिक्कत होने वाला है। तो नाइट्रोजन जब दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर बहुत ज़्यादा इन्हांस करेगा मतलब हुआ कि इसका जो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वह हाईली एसिडिक नेचर का हो जाएगा। और हाईली एसिडिक नेचर का हो जाएगा तो उस हाइड्रोजन को हम लोग निकाल सकते हैं किसके मदद से? बेस के मदद से। कोई बेस यदि प्रेजेंट है तो उस बेस के मदद से हाइड्रोजन को वहाँ से हम लोग निकालेंगे। तो मान लो कि कोई बेस हम लोग ले लिए हैं KOH या NaOH बेस, तो बड़ा आसानी से या OH माइनस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने हाइड्रोजन को लेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो नाइट्रोजन ले लिया, ऐसा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से? यहाँ से बन जाएगा C डबल बॉन्ड O N दो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज,
और बगल में के प्लस, ऐसा। और ये ओ एच माइनस और ये एच मिल करके तो एच टू बन गया ना, ऐसा। अब जो यहाँ यह सिस्टम बना पोटेशियम थैलीमाइड, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम थैलीमाइड। अब यह पोटेशियम थैलीमाइड बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, SN2 रिएक्शन करवाएगा एक अल्काइल हेलाइड के साथ और एन अल्काइल थैलीमाइड का फॉर्मेशन कराएगा, ऐसा। इस सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन पे माइनस के पे प्लस। अब यहाँ से लोगे आप कोई अल्काइल हेलाइड, SN2 रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा, इसका मतलब X यहाँ से बाहर और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देख रहे हो बहुत बड़ा न्यूक्लियोफाइल है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल। तो अब SN2 बोल रहे हो तो SN2 के लिए वे सारे कंडीशंस जो होते हैं एप्लीकेबल है यहाँ, तो वे सारे कंडीशन मतलब जो यहाँ R है, दिस मस्ट बी ए स्मॉल ग्रुप, स्मॉल SN2 में तो चाहिए ही होता है, यहाँ स्मॉल लेने से और बेनिफिट होगा क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल है वो काफ़ी बल्की है, बड़ा न्यूक्लियोफाइल है साइज के तुम्हें। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन इससे जुड़ जाएगा आर, एक ही लोन पेयर अब बचेगा, क्या कि एक लोन पेयर से तो आर जुड़ गया, एक्स माइनस बाहर होगा और यहाँ बचा हुआ के प्लस, तो बन जाएगा के एक्स। एंड दिस इज कॉल्ड एन अल्काइल थैलीमाइड, मतलब अभी तक हुआ कुछ नहीं, बस उससे जो हाइड्रोजन था उसको सब्स्टिट्यूट करवा दिए हम लोग अल्काइल के द्वारा। बीच में पहले तो फॉर्मेशन किए हम लोग नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज पोटेशियम थैलीमाइड, जो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव किया, देन उसका ट्रीटमेंट अल्काइल हैलाइड से करवाया हमने। और फिर अब यहाँ साफ साफ देख रहे हो कि जो भी आप लिए हो इस जगह पे, इसमें यह बॉन्ड डायरेक्ट टूट रहा है, तो डायरेक्ट ही बॉन्ड टूट रहा है, इसका मतलब हो गया कि आर स्मॉल ग्रुप तो है ही, एंड इट मस्ट बी ओनली अल्काइल ग्रुप, इट मस्ट बी ओनली अल्काइल ग्रुप। मैंने अल्काइल के जगह आप नॉर्मल अल्काइल ले सकते हो, एलाइल ग्रुप ले सकते हो, ऐसे करके SN2 में जो जो ग्रुप्स हो सकते हैं। यहाँ आप कोई एरोमेटिक सिस्टम नहीं ले सकते हो, नेफर आर के जगह कोई भी एरोमेटिक सिस्टम आप नहीं लोगे, मतलब आप चाहोगे कि यहाँ हेलोएरीन लेकर के हम लोग चले क्लोरोबेंजीन, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, एक तो यह बल्कि ग्रुप है, SN2 में पार्टिसिपेट करेगा नहीं, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है कि इसमें रेजोनेंस होने के चलते बेंजीन का कार्बन और हेलोजन के बीच आता है डबल बॉन्ड, ऐसा। अभी डबल बॉन्ड है तो आसानी से ब्रेकेबल तो नहीं होगा ना, नहीं टूटेगा, जबकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बॉन्ड डायरेक्ट टूट रहा है, तो बॉन्ड डायरेक्ट टूट रहा है मतलब कमज़ोर बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो कमज़ोर मैंने सिंगल बॉन्ड। लेकिन एरोमेटिक सिस्टम लेते हो आप तो वहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा, तो फॉर्मेशन हो गया इस चीज़ का। है आता है एग्जाम में कि व्हाई एरोमेटिक अमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन, कि गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन से एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो भाई एरोमेटिक एमीन बनाने के लिए यहाँ एरोमेटिक सिस्टम लेना होगा, जो नहीं ले सकते हैं क्योंकि मैकेनिज्म हम लोग को बता रहा है कि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो है सो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं टूटेगा, SN2 वे में इन्वॉल्व भी नहीं होगा ये चीज़। अब जो वह एन अल्काइल थैलीमाइड बना है, फाइनली उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और हाइड्रोलाइसिस होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस लोग डायरेक्ट दिखा देता है, ऐसे डायरेक्ट दिखा देता है, सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एन आर। अब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हम थोड़ा सिस्टम से चलते हैं, वाटर इस्तेमाल किए हाइड्रोलाइसिस के लिए, और वाटर का इस्तेमाल किए तो रिएक्शन अब कुछ ऐसा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ,
और अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा सी ओ माइनस, यहाँ ओ एच टू प्लस ए सी डबल बॉन्ड ओ। अभी भी एन एच और आर ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन लेगा, प्लस चार्ज तो बर्दाश्त होता नहीं है ऑक्सीजन को, फिर माइनस वाला हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा सी ओ एच, यहाँ एन आर, एक इधर भी है ओ एच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, ऐसा। टारगेट को फॉलो करो कि एमीन बनाना है, मतलब आर एन एच टू वहाँ से निकालना है। अब निकालने के लिए अब जैसे मैकेनिज्म का थ्योरी पढ़े हो, ये सारे चीज़ को अप्लाई करो, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या होगा, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, यहाँ से बॉन्ड करेगा ब्रेक, कि ई बॉन्ड चला जाएगा हाइड्रोजन को लेकर के और ई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, तो ऐसे हो जाएगा बेंजीन सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ से टूट करके अलग हो गया एन आर एच, ऐसा। अगेन वाटर का एक मॉलिक्यूल और इन्वॉल्व होगा, और एक मॉलिक्यूल और इन्वॉल्व होगा तो कैसे रिएक्शन होगा, देखो जो सिस्टम वहाँ बना है, इस सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर, एच टू ओ का एक मॉलिक्यूल और फिर से कार्बन पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो फिर से बेंजीन हो गया ये, अब सी ओ एच डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ अब क्या हो गया सी सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, इधर है एन एच आर, अब यहाँ जा करके जुड़ गया एच टू ओ, प्लस प्लस को हटाने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा, तो इस हाइड्रोजन को ओ माइनस ले लेगा, तो फिर से अब सिमिलर रिएक्शन होगा ऐसा, बेंजीन सी ओ ओ एच, यहाँ हो जाएगा सी, अभी हो जाएगा ओ एच, यहाँ भी बचा ओ एच, यहाँ से एन एच आर लोन पेयर, ऐसा। अब बड़ा आसान सा रिएक्शन है कि किसी को भी आप कर सकते हो, इसको जैसे यहाँ शिफ्ट कर दिया, अभी बॉन्ड से हाइड्रोजन को ले लेगा, तो क्या बन जाएगा सी ओ ओ एच, सी ओ ओ एच प्लस, ये हो गया आर एन एच, एक पहले से था, एक बॉन्ड से और जुड़ गया, तो देखो 1 डिग्री अमीन का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ रीजेनरेट हो गया थैलिक एसिड। ऐसा तो रिएक्शन था सिंपल सा ही, बस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग चले तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, और रिएक्शन में क्या समझेंगे हम लोग, इसको एक बार थोड़ा समराइज करके बताते हैं, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन को। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में यही लिए थे थैलिक एसिड, इस थैलिक एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट किया गया तो H2O का एलिमिनेशन होकर के थैलीमाइड बना। थैलीमाइड में एक हाईली एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वह हाईली एसिडिक हाइड्रोजन को जो है कोई बेस के द्वारा वहाँ से एलिमिनेट किया गया, और बीच में एक नेगेटिवली चार्ज थैलीमाइड का फॉर्मेशन हुआ जिसमें नाइट्रोजन पे माइनस था। अब वह न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करके कोई अल्काइल हेलाइड से रिएक्शन किया एज SN2A में, और रिएक्शन करके एन अल्काइल थैलीमाइड का फॉर्मेशन, और फाइनली फिर उस एन अल्काइल थैलीमाइड का हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो ये प्रोडक्ट बने थैलिक एसिड और 1 डिग्री एमीन बन गया। अब इसी हाइड्रोलाइसिस को दिखाने के लिए रिएक्शन इतना लंबा हुआ कि एक H2O का मॉलिक्यूल जुड़ा तो एक बॉन्ड कट होकर के पहले ई वाला चीज़ बना, फिर से एक बार और हाइड्रोलाइसिस किए तो दूसरा ग्रुप भी यहाँ से हट करके फाइनल एमीन और थैलिक एसिड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। तो मैकेनिज्म वैसे देखोगे और नहीं समझ में आया तो बड़ा अजीब सा चीज़ लगेगा कि हर चीज़ को मैकेनिज्म के द्वारा पढ़ने इतना लंबा हो जा रहा है, बोर कर रहा है,
तो वैसे फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का कोई मजा ही नहीं है। आप रिएक्शन को लिख लिए, रट लिए, जैसे बताया जाता है घेर घेर के बाहर निकाल दिए। इसी रिएक्शन को डायरेक्ट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिखेंगे। यह सब जगह तो लोग ऐसे ही लिख के बताते हैं, देखो ये बना था ना ऐसे। अब देखो इसको सब लोग ऐसे लिख के बताता है, दो वाटर का मॉलिक्यूल ऐसा ऐसे यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूट जाएगा, ऐसे करके दिखाता है, इतना बोल बाहर हो जाएगा और डायरेक्ट बना देता है। अरे भाई ठीक है, ये रटवाने के लिए ऐसे किया जाता है कि रटने में दिक्कत ना हो, तो आप रिएक्शन को ऐसे समझ लो और यहाँ से RNH2 बना दिया। तो रटना है तो ऐसे ही रटो, लेकिन हम क्या बोले, फिर ऐसे करने से ऑर्गेनिक पढ़ने का कोई मज़ा ही नहीं है। ऑर्गेनिक पढ़ने का मज़ा तब है जब आप मैकेनिज्म के थ्रू चलो और कोई भी रिएक्शन लिखते ही उस रिएक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे वे सारे स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में आ जाए। यदि ऐसा हो रहा है तब ऑर्गेनिक पढ़ने का मज़ा है, नहीं तो फिर बेकार है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। ऐसे घेर घर के कोई चीज़ थोड़े बाहर निकलता है, समझोगे तो फिर मैकेनिज्म ऐसे ही जाएगा, और रटना है तो फिर ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में यदि मैकेनिज्म आ जाता है लिखने, प्लस टू लेवल में, हालांकि मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, मैकेनिज्म से क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, लेकिन डायरेक्ट मैकेनिज्म नहीं पूछता है। लेकिन आगे आप केमिस्ट्री पे यदि फोकस करोगे तो वहाँ तो ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाने वाले हैं। तो यह था गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन। मैकेनिज्म से हम लोग बहुत कुछ सीखे इसमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सीखे कि गैब्रियल थैलीमाइड के दरमियान एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है SN2, जिसमें हम लोग एराइल हेलाइड माने एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रिएक्शन होगा ही नहीं। और यह बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हम लोग पढ़ लिए लास्ट लेक्चर में, हॉफमैन ब्रोमामाइड पढ़े थे, अभी वाला पढ़े। अब अमाइड का डायरेक्ट रिडक्शन से भी एमीन का फॉर्मेशन होता है, और इससे आप हर एक टाइप का एमीन बना सकते हो। हर एक टाइप का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब। तो नेक्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अमाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट। इस्तेमाल कर सकते हो LiLH4 को, चाहे इस्तेमाल कर सकते हो सोडियम इथेनॉल को, दोनों में से किसी को भी एज रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो। हर एक प्रकार का एमीन बन सकता है, जैसा अमाइड लोगे वैसे ही एमीन का फॉर्मेशन होगा। प्राइमरी अमाइड लोगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा, सेकेंडरी अमाइड लोगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा। अमाइड पे डिपेंड करेगा एमीन क्या बन रहा है। तो जैसे मान लो कोई प्राइमरी अमाइड लेते हैं 1 डिग्री अमाइड, ऐसा रिडक्शन करोगे LiLH4, साथ में THF मीडियम होता है नंबर वन, और नंबर टू में हाइड्रोलाइसिस करना पड़ता है इसी का एसिडिक मीडियम में। अब इस मैकेनिज्म को हम डील नहीं करेंगे, क्योंकि यह मैकेनिज्म अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, इस सब में डील किया जा चुका है। अल्कोहल में भी इसमें इसके मैकेनिज्म को डील किया गया था, और अल्डिहाइड कीटोन में भी, कि कैसे LiLH4 रिड्यूस करता है इस सिस्टम को। तो यहाँ इसके मैकेनिज्म को डील नहीं करेंगे, जो नहीं पीछे पड़े थे उसके मैकेनिज्म को हमने बताया। तो RCH2NH2 मतलब ओवरऑल समझ लो ऐसे कि इन्वॉल्व हो जाएगा कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 3 में से 2 हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ करके CH2, या 4 हाइड्रोजन, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ करके CH2, और बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिल करके H2O। कोई कार्बन वार्बन का संख्या कम नहीं होता इसमें। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में भी अमाइड था, लेकिन वहाँ जो एमीन बनता था उसमें एक कार्बन कम हो जाता था, इसमें कार्बन कम नहीं होता है। जितना कार्बन अमाइड में होगा उतने ही कार्बन एमीन में भी रहेंगे, कार्बन का संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो यदि एग्जाम में कन्वर्सन आता है अमाइड से एमीन बनाने, तो आप ज़रूर फोकस करोगे कि उस एमीन में कार्बन का संख्या अमाइड के बराबर है या कम है। कम है देन आप लगाओगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, और यदि उसके बराबर है तो फिर डायरेक्ट रिड्यूस करोगे। वैसे यदि सेकेंडरी अमाइड ले लें RCONH और यहाँ R 2 डिग्री अमाइड,
ये सेम रिड्यूसिंग एजेंट होंगे LiLH4THF, और इसको डायरेक्ट H3O+ लिखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा RCH2NH, दिस वन इज 2 degree, आई मीन बाहर तो वही होगा H2O, यहाँ भी 4 hydrogen इन्वॉल्व होंगे। अच्छा बताएं कि स्क्वायर ब्रैकेट में हाइड्रोजन लिखा हुआ हमने अलग से नहीं लेना है, वो आ जाता है रिड्यूसिंग एजेंट से ही, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं अलग से कि 4 है तो 2 carbon में जुड़ गया और 2 बचा हुआ ऑक्सीजन के साथ H2O बन गया। वैसे ही यदि आप टर्शियरी अमाइड लेते हो RC(O)(N)R(R)- 3 degree अमाइड, तो इसका भी रिडक्शन करोगे LiLH4THF हाइड्रोलाइसिस, तो ये हो जाएगा RCH2NR(R)- एंड दिस इज 3 degree एमीन। तो हर एक प्रकार का एमीन जैसा अमाइड लोगे वैसे ही बनेगा, 1 degree अमाइड से 1 degree एमीन, 2 degree अमाइड से 2 degree एमीन, 3 degree अमाइड से 3 degree एमीन, जिस प्रकार का आप लोगे बनेगा। कन्वर्सन को हम लोग देख ही लेते हैं, इसमें मैकेनिज्म में नहीं गए, क्यों हम बता दिए, क्योंकि इसका मैकेनिज्म एल्डिहाइड कीटोन में आप पढ़े हो, सेम मैकेनिज्म यहाँ होगा अल्कोहल में भी पढ़े हो, तो मान लो प्रोपेनामाइड को बदलना हो एक बार किसमें, propane-1-amine में, और एक बार इसको बदलना हो इथेनामाइन में, और स्टार्टिंग मटेरियल दोनों में सेम है, तो समझना केवल इतना है कि यहाँ भी यदि 3 carbon है प्रोपेन तो यहाँ भी 3 ही है, कार्बन का संख्या सेम है तो डायरेक्ट रिड्यूस करेंगे, लेकिन यहाँ 3 carbon है जबकि इसमें 2 बता रहा है, 1 carbon कम, तो जब 1 carbon कम हो गया इसका मतलब वहाँ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन लगेगा, तो दिस वन इज ऐसा यह प्रोपेनामाइड, तो यहाँ इसमें बदलने के लिए यहाँ लगा दोगे Br2KOH हीट, और इसमें बदलने के लिए लगाओगे LiAlH4THF हाइड्रोलाइसिस, ऐसा तो ही बन जाएगा। इसी चीज़ को अभी हम बोले थे कि कन्वर्सन आएगा तो देख लेना, कार्बन का संख्या वही है या कम हो गया, कम हो गया तब हॉफमैन लगाओगे, वही है तो डायरेक्ट रिड्यूस करके बन जाएगा। तो यह एक मेथड हो गया, आगे के मेथड सब देखते हैं प्रिपरेशन के लिए। नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन से बनता है, उसको पीछे के लेक्चर्स में बताए थे। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्जाइम्स, ऑक्जाइम का रिडक्शन से भी बनता है। ऑक्जाइम्स क्या होते हैं पहले ऑक्जाइम को समझेंगे हम लोग, तो ऑक्जाइम बनता है अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन होता है हाइड्रोक्सिल एमीन से, तब दिस इज हाइड्रोक्सिल एमीन, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, H2O हो जाएगा बाहर, घेर करके ऐसे होता नहीं है, मैकेनिज्म से चलोगे तो H2O निकल जाएगा बड़ा आसानी से, और बनेगा ऐसा सिस्टम, और जिसमें ये ग्रुप लगा हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्जाइम, ऑक्जाइम H2O। यदि यहाँ अल्डिहाइड लेते हो तो कहलाएगा अल्डोक्जाइम, यदि यहाँ कीटोन लेते हो तो कहलाएगा कीटोक्जाइम, कीटोन से बना हुआ ऑक्जाइम कीटोक्जाइम, अल्डिहाइड से बना हुआ ऑक्जाइम अल्डोक्जाइम, बनने का तरीका सेम है हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाना। अब मैकेनिज्म में जाओगे तो बहुत दिमाग लगाने वाला मैकेनिज्म नहीं है इसका, देखो जल्दी से बता देते हैं। सबसे पहले तो आप एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए हो तो क्या होगा कि एसिड का H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर से जुड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा OH इस पर आ जाएगा प्लस,
और बताएं कि ऑक्सीजन को प्लस एकदम बर्दाश्त नहीं है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तुरंत बगल वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कार्बन पे प्लस आएगा, तब तक यहाँ हाइड्रोक्सिल एमीन बैठे हुए हैं लोन पेयर लेकर के, ऑक्सीजन का भी नाइट्रोजन का भी, लेकिन अटैक नाइट्रोजन करेगा क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दो दो एटम एक साथ हो, दोनों पे लोन पेयर हो, तो ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैक फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ से ये बन जाएगा सी ओ एच एन ओ एच तो हाइड्रोजन और ही प्लस। आसान सा रिएक्शन है, देखो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तब तक ये लोन पेयर है इसको ले लेगा, तो ये हो जाएगा एन एच ओ एच और ई हो गया ओ एच टू प्लस। अब ई ओ एच टू प्लस यदि पूरा बाहर, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दो यहाँ, तो ये हो गया डबल बॉन्ड एन ओ एच, ई पूरा एच टू बाहर और ई यहाँ से एच एच प्लस बाहर। तो यहाँ एच प्लस तो आप लिए थे ना, इस जगह पे एसिड कैटलिस्ट था, तो एसिड कैटलिस्ट वहाँ से बाहर हो गया एच प्लस। तो ये मैकेनिज्म था जब आपको एल्डिहाइड कीटोन को बदलना हो ऑक्साइम में, तब सिंपल सा रिएक्शन था हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवा करके। अब जो ऑक्साइम बना है उस ऑक्साइम का रिडक्शन करोगे आप, तब जा करके फॉर्मेशन होगा किसका, एमीन का। और रिडक्शन के लिए वही सब रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एल आई एल एच फोर सोडियम इथेनॉल। अच्छा एल आई एल एच फोर हमेशा एनहाइड्रस मीडियम टी एच एफ फोर में यूज होगा हाइड्रोलाइसिस। तो कितना हाइड्रोजन ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाएगा और H2 हो जाएगा बाहर, तो दो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मैंने टोटल चार हाइड्रोजन इन्वॉल्व हुआ ऐसा। अब सिंपल सा कोई रिएक्शन लेकर के चलो, जैसे एसीटल्डिहाइड लेते हो, तो इसका रिएक्शन पहले हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाओगे एसिडिक मीडियम में, एच टू वो बाहर हो जाएगा, तो ई बनेगा एसीटल्डोक्साइम ऐसा। और इस एसीटल्डोक्साइम का अब करो रिडक्शन, चार हाइड्रोजन बाकी सब वही होगा एल आई एल एच फोर वगैरह, तो ये हो जाएगा सी एच थ्री सी एच टू। कैसे, एक हाइड्रोजन कार्बन में जुड़ता था, पहले से वो एक और जुड़ेगा सी एच टू और दो यहाँ एन एच टू, तो बन जाएगा इथाइल एमीन। वही यदि आप कीटोन लेकर के चलोगे तो कीटोक्साइम का फॉर्मेशन होगा, जैसे एसीटोन ले लो, तो इसका रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाओगे H2O निकला CH3 NOH, एसिडिक मीडियम यहाँ भी होगा, एसीटोन से बना थी क्या लाएगा एसीटोनोक्साइम। और फाइनली रिडक्शन कर दोगे एल आई एल एच फोर वगैरह लेकर के, तो CH3 NH2 आइसोप्रोपाइल एमीन बन जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमीन बन जाएगा ऐसा। तो ये रिएक्शंस हैं, ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। तो ऑक्साइम में आप अल्डिहाइड का ऑक्साइम लो, चाहे कीटोन का मतलब अल्डोक्साइम लो या कीटोक्साइम, दोनों का रिडक्शन से जो है एमीन का फॉर्मेशन होगा, और बेसिकली इससे प्राइमरी एमीन ही बनेगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी के जो मेथड्स बचे हुए हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।